हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारी यात्रा बहुत ही शानदार रही और अब आपको बैक टू बैक बहुत ही शानदार व्लॉग देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग एक नई यात्रा का प्लान कर रहे हैं। हालांकि जो वैष्णो देवी यात्रा है वो एक अचानक से यात्रा हुई है, उससे पहले हम लोग चार धाम यात्रा जाना जा रहे थे, जो उत्तराखंड के चार धाम है वहाँ पर हमने प्लान बना लिया था पूरा, लेकिन अचानक से हमें पता चला कि हमारे जो भाई हैं चाचोड़ा के, वो सभी लोग मिलके वैष्णो देवी और चार पांच जगह की यात्रा पे जाने वाले हैं, तो हमें बताया गया। फिर मैंने भी सोचा, बहुत दिनों से माता वैष्णो देवी नहीं जा पा रहे हैं, लाइफ में मैं कभी भी नहीं गया था, तो एक दो बार जाने का प्लान बना था, लेकिन वो पता नहीं अचानक से कैंसिल हो गया। और एक बार तो हम लोग आधे रास्ते पहुँच गए थे, मतलब जो हमारी आपने देखा होगा मैयर वाला ब्लॉग, तो मैयर के बाद हम लोग बागेश्वर धाम गए थे, तो वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने सोचा था कि हम सीधा यहाँ से वैष्णो देवी के लिए निकलें, लेकिन उस समय राघव की तबीयत ख़राब हो गई और हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए। तो दोस्तों, तभी से मैंने सोच लिया था कि अपन अपनी मर्ज़ी के बिना वहाँ नहीं पहुँच सकते, जब माता रानी बुलाएंगी तभी वहाँ पर जा सकते हैं। तो माता रानी का बुलावा आया और मैं पहली बार लाइफ में माता रानी के दर्शन करके आया। और अब हमारी नेक्स्ट यात्रा कहाँ की होने वाली है, इसके लिए आप लोग हमारे ब्लॉग देखते रहें। बहुत ही जल्द आपको एक नई और शानदार ब्लॉग सीरीज़ से मिलवाएंगे, मतलब एक तरह की सीरीज़ होने वाली है। और आपको सच्ची बताएं तो हमने इस चैनल पर काम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, मतलब मैंने सोचा था कि अब मैं इस चैनल पर कभी काम नहीं करूँगा, लेकिन भोलेनाथ जी की कृपा हुई और ये डेड चैनल फिर से चल पड़ा है। तो अब आपको बैक टू बैक बहुत ही अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल में हमारे यहाँ पे बारिश का सीज़न चल रहा है, इतनी बारिश पूरे बारिश के मौसम में नहीं हुई जितनी कि अभी 10-12 दिनों में हो चुकी है। जब हम लोग वैष्णो देवी थे तब भी यहाँ पे पानी बरस रहा था, और अभी यहाँ पे आ चुके हैं तो यहाँ पे डेली का पानी बरस रहा है। आज 22 सितंबर है, आज भी पानी गिरा है, कल भी पानी गिरा था, आज बहुत तेज़ पानी आया यहाँ पर, कम से कम एक घंटे तक पानी गिरा। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी जो तुंगनाथ यात्रा थी, यानी हम लोग जो उत्तराखंड गए थे अप्रैल में लगभग 10-12 दिनों के लिए, उसी समय से इस चैनल पर कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था और तभी से यह चैनल जो है वो डेड हो गया था। और फिर हमने सोचा कि यार इस चैनल पर काम नहीं करते, कभी कभी डाल दिया करेंगे, लेकिन भोलेनाथ जी ने सुनी फिर से, पता नहीं कहां से कृपा हुई। एक वीडियो जो कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा का उसमें पूरा प्लान बता रखा है ट्रेन के द्वारा, वो वीडियो अभी फ़िलहाल में 2 लाख से भी ज़्यादा चल चुका है। तो भोलेनाथ जी ने ये डेड चैनल, यानी जो मरा हुआ चैनल था, वो फिर से जीवित कर दिया है। तो अब आपको बहुत ही शानदार और नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे। जब मैं इस चैनल पे कोई ब्लॉग अपलोड नहीं करता था, कोई वीडियो नहीं डालता था, उस समय भी मैं लगातार ब्लॉग बनाता रहता था, केवल इस चैनल पर नहीं डालता था, और दूसरे चैनल मैंने बना लिए थे, क्योंकि ये चैनल डेड हो चुका था। इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ तो करना ही है, मतलब वीडियो तो बनाना ही है, चाहे कोई दूसरा चैनल बनाए, तो इस वजह से मैं उस पर काम करता था। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं लगातार इसी पर काम करूँगा, या चाहे ये चैनल चले या ना चले, क्योंकि इस चैनल पर मेरे जीवन की यादें जुड़ी हुई हैं, मेरी लाइफ की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेमोरी इस चैनल पर है। तो क्योंकि मैंने लाइफ में जो भी कुछ अचीव किया है, जो भी कुछ किया है, सबसे पहली बार वो इस चैनल पर ही है, तो ये चैनल मेरी लाइफ का सबसे यादगार चैनल है और इसको हम हमेशा तक चलाएंगे। अब चाहे लोग इनको देखें या नहीं देखें, लेकिन हमारी यादों के रूप में, यानी हम लोग भविष्य में उन वीडियो को देख सकते हैं, इस वजह से हम लोग इस पर वीडियो डालते रहेंगे, हमारी यादें बनाते रहेंगे। और अब एक नई जर्नी होने वाली है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।